अगले वीडियो में बोलेगा पनवेल निकलना, नोएडा निकलना, नोएडा ना यार, नोएडा। भाई वेज पिज्जा हमेशा से मेरे को ज्यादा ही अच्छा, हमेशा से। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मकबैंग। तो यार बात है कुछ ऐसी, मेरे प्रीवियस मकबैंग में बहुत लोगों ने कमेंट कर रखा था कि डोमिनोज पे मेन्यू लाओ, मतलब उस पर वीडियो बनाओ। एंड अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 साल पहले मैंने डोमिनोज वैसे पिज्जा हट वीडियो किया था, उसके बाद से आज तक नहीं किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक कंपैरिजन वीडियो कर लिया जाए अपने डोमिनोज वर्सेस पिज्जा हट में। तो कुछ आइटम्स मैंने मंगा रखे हैं डोमिनोज से और सेम आइटम्स मैंने मंगा रखे हैं पिज्जा हट से। लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि किसका टेस्ट बेटर होता है। प्राइस वगैरह के बारे में हम करेंगे आगे बात, बट फिलहाल आप ये क्लोजअप देख लो इनका। तो सबसे पहले इधर मेरे पास डोमिनोज से चिकन पेपरोनी पिज्जा चीज बस बेस के साथ, यह है रेगुलर। इसी के कंपैरिजन में मेरे पास यहाँ है पिज्जा हट का चिकन पेपरोनी पिज्जा, यह है चीज मैक्स बेस के साथ और पर्सनल साइज है ये। इस साइड है डोमिनोज से मेरे पास इनका वेज एक्स्ट्रा वगैंजा रेगुलर साइज में चीज बस्ट बेस के साथ, और इसके कंपैरिजन में है यहाँ पिज्जा हट का वेज सुप्रीम पर्सनल साइज चीज मैक्स बेस के साथ। साइड्स की बात की जाए तो इधर है मेरे पास पिज्जा हट का चिकन पेपरोनी गार्लिक ब्रेड टीयर एंड गेयर, ऐसा कुछ था इसका नाम, चिकन पेपरोनी है इसके ऊपर, पैसा दिखने में बेहतरीन लग रहा है। वहीं इसके ऊपर है अपना डोमिनोज का चिकन पेपरोनी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, साथ में एक चोकोलावा केक मैंने पिज्जा हट से मंगा रखा है और एक चोकोलावा केक मैंने यहाँ अपना डोमिनोज से मंगा रखा है जो कि हम एंड में खाएंगे। ये रहे चार चीजें डिप पिज्जा हट के और चार चीजें डिप अपने डोमिनोज के। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। मैं थोड़ी पास से डालो ना बाहर ताकि कम उठे। भाई वेज एक्स्ट्रा वगैंजा पहले ऐसी ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। Loaded. Nice. चीज डुब के बिना ही अच्छा हो रहा है। रेट करते हुए चलते हैं। ऐसे कैसे? ताकि कंफ्यूजन ना हो ना कि बेटर कौन सा नहीं है। मुझे अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। मेरे हिसाब से 7.5 था मेरे लिए। हाँ मैं अभी 8, तो गर्म होता तो और अच्छा होता, मतलब अभी ठंडा नहीं है मगर गर्म भी नहीं है। 8 और मेरी है 7.5। हमने जानबूझ के करा रहा है ऐसा क्या भाई? बड़ा पीस अपने पास पागल है क्या भाई? ये ले तो अभी भी ले ले वाला। कोई बात नहीं, ये है वेज सुप्रीम, ये भी भाई अच्छा खासा लोडेड लग रहा है। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज। ये मिंट सॉस का यूज किया गया। यह है चीज जो कि जम चुका है, इसके जो आउटर क्रस्ट होता है ना इसके अंदर होता है चीज। ये देखो ये दिख रहा है ना, जम गया। नहीं है अभी भी लिक्विड है और तो मिंटी टेस्ट है इसका। अच्छा टेस्ट वाइज अच्छा है। देखने से ऐसा लग रहा है ब्रेड बहुत ज़्यादा है, टेस्ट नहीं आएगा बट सॉफ्ट है, बढ़िया। मेरे हिसाब से मेरे लिए 8 है। मेरे लिए 8.5, डोमिनोज से हल्का सा बेटा। हल्का सा बेटा हाँ, सरप्राइजिंगली। साइड में आते हैं भाई, ये एंड में आए हैं। साइड तो मगर बीच में रखिए आज। ये कौन सा है भाई? ये है भाई चिकन पेपरोनी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड। इधर भी देख लो आप, अपना पनीर स्टफ्ड आता है, चिकन पेपरोनी आता है और एक स्टफ्ड आता है नॉर्मल, उसमें कॉर्न सॉसेज वाला भी आता है क्या? देख लो भाई अंदर से कुछ ऐसा, वन ऑफ माय फेवरेट्स। कोई सा भी गार्लिक ब्रेड ले लो, मेरे को डोमिनोज का बढ़िया लगता है। मेरे को चीज डिप इसका ज़्यादा अच्छा लगा। पिज्जा हट का ये थोड़ा खट्टा है, डोमिनोज वाला ये टेस्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता, खट्टा खट्टा। चलो कोई बात नहीं। स्मोकी फ्लेवर आता है ना बढ़िया। नाइस। हमने ना अभी नोएडा निकलना दोनों नहीं, तो इसलिए आज हम दिन के टाइम पे कर रहे हैं, तो बाहर से आपको काफ़ी आवाज़ें आ रही होंगी। रियल नाइस भाई, ये तो बढ़िया बना रहा।
टेस्टी। मेरे लिए तो ये 9.5 है मेरे लिए। मैं मैंने इससे बेटर नहीं खाया ना कभी। ओके बाकी वो परफेक्ट डिश नहीं मिला उनसे बेटर खा रहा मैंने। अरे भाई ये दिखने में तो भाई बहुत तगड़ी लग रही है। लो भाई भाई हैवीली लोडेड है। इसके भी दो निकालता हूँ। ओ तेनो और ये डोमिनोज से पहले आ चुका है जबकि हमारे। हाँ भाई इनका भी देख लो चिकन पेपरोनी। इधर भी देख लो भाई क्लोजअप अंदर से बढ़िया चीज वगैरह डाल रखा है। नाइस लेट्स सी हाउ इट इज। बताता हूँ इसके बारे में। इसकी जो पेपरोनी है वो डोमिनोज वाले से ज़्यादा टेस्टी है मगर एज अ होल गार्लिक ब्रेड का टेस्ट नहीं आ रहा उसमें वो ज़्यादा बढ़िया था। ये वाली पेपरोनी इसमें डाल दो तो परफेक्ट है। बहुत टेस्टी पेपरोनी है। पेपरोनी मतलब चिकन पेपरोनी है। डोमिनोज वाली थोड़ा सा लेवल अप कर गई मेरे हिसाब से अपना। उसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है बढ़िया सा उसकी वजह से। इसमें ये गार्लिक ब्रेड है ही नहीं मुझे लग रहा भाई। ये गार्लिक ब्रेड की कैटेगरी में नहीं है क्योंकि इसमें गार्लिक का कोई वो ही नहीं है। वैसे अच्छे हो रही है बट ओवरऑल ये ज़्यादा बेटर है 8.5 पेपरोनी। और वो एज अ होल बहुत टेस्टी हो रहा है बहुत टेस्टी बट गार्लिक ब्रेड नहीं है। नाइस ये मेरे लिए था 9.5 ये 9 क्योंकि इतना बुरा भी नहीं था। नहीं भाई अच्छा है बुरा अच्छा तो थोड़ा बहुत अच्छा हो। ये क्या है? हाँ ये खा लेते हैं। तोड़ तो जा अब फटाफट करो यार भाई तोड़ दे यार टूटा नहीं जा रहा। ये देखो भाई साहब चिकन पेपरोनी पिज्जा अपना पिज्जा हट का चीज मैक्स बेस के साथ। लेट्स सी हाउ इट इज। मैं एक ही बारी में सारी पेपरोनी खा गया। एवरेज 6.5 सही है मतलब सही है। अगले वीडियो में बोलेगा पनवेल निकलना नोएडा ना नोएडा नोएडा। डोमिनोज का साइज तो थोड़ा बड़ा लग रहा है पिज्जा का। डोमिनोज का पिज्जा बड़ा है थोड़ा बड़ा है क्या? देखो शक्ल भी बढ़िया है। इधर भी देख लो भाई क्लोजअप में बेहतरीन लग रहा है। चिकन पेपरोनी डोमिनोज का क्या भाई पेपरोनी कमाई वाला पिज्जा पिज्जा है पेपरोनी नहीं है मेरे वाले में। लो ना एक ले लो फिर मैं चार चार डली हुई लो यार तक इधर देखो। पिज्जा हट का जो लगा ना मेरे को वो मतलब मेरे लिए ऐसा है कि किसी ने मंगा दिया तो खा लिया मतलब मैं स्पेशली इसको ऑर्डर नहीं करूँगा ऐसा कुछ। एवरेज वही 6 मेरे लिए भी। ये ट्राई करके देखते हैं। दोनों ही मेरे को एक जैसे लग रहे हैं। डोमिनोज में फर्क क्या है? ये सॉस यूज करता है क्या बोलते हैं मारिनारा या पिज्जा सॉस से जो भी टोमेटो बेस रहती है ना इसमें इसका टेस्ट आ रहा है टैंगी। और कोई टेस्ट नहीं है पेपरोनी का कोई टेस्ट ही नहीं है डली हुई है टेस्ट बिल्कुल नहीं है सिर्फ चीज का टेस्ट आ रहा है क्योंकि चीज बस्ट है समझ ही नहीं आ रहा। पेपरोनी का टेस्ट आ रहा है ओवर पावर कर जा रहा है बाकी सब चीज़ें उसको बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे पेपरोनी है। मुझे एक अलग से जो टेस्ट आ रहा है मैं वो अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पेपरोनी का दैट इज अ बहुत चिकन टेस्ट क्योंकि इसकी सॉस का टेस्ट आ रहा है जो इसमें बेस सॉस होती है। माइट बी पॉसिबल आपके में वो बाइट आया हो मे भी नहीं आया खट्टा टेस्ट नहीं आ रहा कसम। ये भी कोई खास नहीं आया। ये ट्राई करते हैं ये बस चीज़ इसमें चीज़ थोड़ा ज़्यादा है जो चीज़ लोवर उनको अच्छा लगा। ये 6 तो ये 5.5 ये उससे भी कम लग रहा है मुझे थोड़ा कुछ नहीं यार मतलब पेपरोनी पिज्ज़ा समझ रहे तो पेपरोनी पिज्ज़ा आना चाहिए टेस्ट में। पेपरोनी पिज्ज़ा मतलब सिर्फ हर चीज़ को चीज़ बर्स्ट करके चीज़ का टेस्ट तो तुम एक ही पिज्ज़ा निकालो बोल के चीज़ बर्स्ट
ये तो डोमिनोज का हुआ है, मतलब आप इसमें ऑप्ट कर सकते हो कि अगर आपको हैंड टॉस चाहिए, मैंने चीज़ बर्स्ट कराया तो ऑब्वियसली थोड़ा सा चीज़ का टेस्ट आएगा, तो वही है, हम डोमिनोज का इतना ब्लेम नहीं करेंगे इस बात के लिए। नहीं। बट हाँ, सेम लेवल पे अगर हम इसको कंपेयर करें, क्या इनका नाम क्या है, एक्स्ट्रावेगेंजा, वो सुप्रीम है, ये एक्स्ट्रावेगेंजा है भाई। वेज पिज्जा हमेशा से मेरे को ज़्यादा ही अच्छा, हमेशा से मैं भी वेज पिज्जा प्रेफर करता हूँ ना नॉन वेज के ऊपर। हाँ बट ये एक्सेप्शन निकला इस बार, दोनों ही बहुत बढ़िया हो रहे हैं, ये बढ़िया लग रहा है मुझे। वेज पिज्जा ने मजे करा दिए, अनियन, कैप्सिकम, कॉर्न, बेल पेपर, एलपीनो भी है शायद। क्रश सॉफ्ट है इसका, कुछ भी कह लो, देख के लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। अच्छा और टेस्टी है, आपने राजमा चावल भी खाना है? कोई नहीं खाएंगे, पैक कर लेंगे, रात को खाएंगे वहाँ जाकर। मैं पिज़्ज़ा वैसे ज़्यादा कभी खाया ही नहीं, मुश्किल से टोटल एक दो बार खाया होगा, मगर आज एक साथ खा रहा तो मानना पड़ेगा उसका क्रस्ट तो भाई बिल्कुल सॉफ्ट है। डोमिनोज का भी हार्ड रहता है, बेकार नहीं, टेस्टी लगता है हमको ये वाला क्रस्ट, बट वो बिल्कुल स्पॉन्जी सॉफ्ट है यार, मस्त है ना, जैसा वहाँ था चंडीगढ़ में, याद नहीं मेरे को। ये हार्ड नहीं है नीचे से बिल्कुल, ये हार्ड हो जाता है जब नान होता है, बट टेस्टी है ये। मतलब आज पिज़्ज़ा हट ने रिडीम कर ली अपनी इज्जत मेरी नज़रों में एटलीस्ट। मैं कभी जाते हैं कभी डोमिनोज में एक फ्री मिलता था ना, मेरे को ऐसा था कि पिज़्ज़ा हट महंगा है, ऐसा है इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। हाँ प्राइस की बात की जाए तो इंडिविजुअली देखो, ओवरऑल देखो, अपना पिज़्ज़ा हट महंगा पड़ा है डोमिनोज से, और अगर आप कंपेयर करो साइज पिज़्ज़ा का तो पिज़्ज़ा हट का थोड़ा सा छोटा भी है पिज़्ज़ा। मोर ओवर क्रश बहुत मोटा मोटा है, तो जो माल पानी है ना उसका जो कवर्ड एरिया है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डोमिनोज। बट हाँ सेम ऑर्डर में मेरे को पिज़्ज़ा हट से एक मार्गरीटा पिज़्ज़ा फ्री मिला है और डोमिनोज से एक स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड फ्री मिली है, तो मतलब ओवरऑल पिज़्ज़ा हट सस्ता पड़ा अगर वैसे देखा जाए तो। हाँ ठंडा हो चुका है मगर, लेकिन समथिंग डिफरेंट भाई, मैं बोल रहा था पेपरोनी का टेस्ट बहुत अच्छा है। ओके मेरा हो गया, मैं फाइनली टेस्ट करके जा रहा हूँ। अरे कुछ ज़्यादा ही लोडेड है, इन्होंने नीचे जाके अभी राजमा चावल भी खाना है, वो तो ऐसी है बस जस्ट फॉर टेस्ट सेक। हाय हाय लोडेड है भाई, बढ़िया। बहुत हैवी आ रही बराबर चीज इसमें बहुत। क्या प्रेफर करोगे, पिज़्ज़ा हट या फिर डोमिनोज? पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा हट का टेस्ट ज़्यादा अच्छा। हाँ अंटिल अनलेस किसी को बिल्कुल चीज़ पसंद हो तो वो डोमिनोज में जाए, बट अगर टेस्ट चाहिए प्रॉपर तो आई विल गो विथ पिज़्ज़ा हट। और हो सकता है डोमिनोज बहुत खा लिया इसलिए भी ऐसा हो रहा हो, थोड़ा डिफरेंट हमेशा अच्छा ही लगता है, बट स्टिल आज फिलहाल इन तीन आइटम्स में पिज़्ज़ा हट। रुक जाना नहीं, अरे यार कॉपीराइट आ जाएगा, मैंने बिल्कुल ओरिजिनल जैसा खाया। वेज पिज़्ज़ा एंड के लिए बचाना था, डोमिनोज है और पिज़्ज़ा हट। ओए होए ये पिज़्ज़ा हट भाई भयंकर लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसका लावा निकल गया, उसका ज्वालामुखी फट गया या भाई, इसका तो ये लावा गिरे जा रहा।
हेलो डोमिनोस डोमिनोस ये पिज्जा है इसका भी है? ये एक ही बेकर को तो ना दे रखा भाई ऑर्डर हाँ, दोनों सेम ही लग रहे भाई साइज वो तो ऑब्वियस सी बात है पैकेजिंग पिज्जा हट जो है वो ज़्यादा लोकेशंस में नहीं मिलता है जिसकी वजह से बहुत लोगों ने अभी तक पिज्जा हट ट्राई ही नहीं किया है बट आज पिज्जा हट की ये तीन चीज़ें टेस्ट करने के बाद मैं इतना बोल सकता हूँ कि स्लाइटली बेटर है ये डोमिनोज से अगेन अब जैसा भानु मैंने बोला उसका कारण ये भी हो सकता है कि हम डोमिनोज से ऊब चुके हैं इतना खा लिया है तो हल्का सा कुछ हमें नया दिखा नया टेस्ट किया तो वो बेटर लग रहा है अभी के लिए थोड़ा सा स्लाइटली बेटर लग रहा है पिज्जा हट मुझे डोमिनोज से प्लस नॉन वेज पिज्ज़ा नहीं मंगाऊंगा मैं वेज किसी का भी नहीं मैं जिस लेवल का फूड क्रिटिक हूँ फूड क्रिटिक नहीं हूँ भाई मैं जिस लेवल का हाँ खदेड़ चखवा रहा हूँ भाई पता ही नहीं चल रहा दोनों एग्जैक्टली सेम है बस इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा वो है मोल्टन मतलब थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है पतला है ये थोड़ा गाढ़ा है बट ये मेरे को लग रहा है इसलिए हुआ है क्योंकि पहले आ जाता ठंडा पड़ गया और कुछ नहीं टेस्ट एग्जैक्टली सेम है चॉकलेटी टेस्ट एग्जैक्टली सेम है और मीठा भी एग्जैक्टली सेम है एक पैसे का फ़र्क नहीं है मेरे हिसाब से पैसे का फ़र्क होगा बस सॉरी चीज़ डिप खा रहा है तू इंसान है क्या है तू क्या चीज़ है तू भाई इतना चीज़ खा रहा चीज़ डिप अच्छा हो रहा है इसके साथ अंदर से देखो अगर देख रहा हो इधर देखो आज पिज्जा हट ने मजा लगा दिया यस अब कर ले वो टेस्ट कर रहा हूँ सबसे पहले डोमिनोज लेट्स सी हाउ इट इज आई नहीं पिज्जा हट का अरे भाजी वाह गिरने वाला भाई लावा बेहतरीन ए ए आ जा टफ है आई नो भाई आप जा सकते हो ऐसा कुछ वो नहीं है मैं लेके जाऊंगा ना थोड़ा सामान फिर तू मेरे को बुलाएगा नीचे ले आने के लिए डोमिनोज पिज्जा हट दोनों सेम है भाई दोनों एक ही जगह बन रहा है पैकेजिंग अलग अलग हो रही है बाहर की सेम है उन्हें बनाते सो अपने अपने उसमें ही यार अवन में मैं ना भाई अवन में से निकालते हैं वो लोग उसको अवन में डालते हैं भाई रीहीट करते होंगे मेरे हिसाब से भाई सेम है उसमें जो चीज़ डलती होगी अगर वो सेम है तो टेस्ट तो ऑलमोस्ट सेम आएगा ना इसमें कुछ स्पेशल अपना नहीं डाल रहे ना मतलब मसाले वसाले डलने नहीं अरे कंसिस्टेंसी वाइज हाँ अंदर कितनी चॉकलेट है एग्जैक्ट सेम है मैं जैसे वीडियो देखता हूँ कुछ लोग डालते हैं ना ये डोमिनोज का और ये पिज्जा हट का आज हम ट्राई करेंगे डिफरेंट वो कैसे बताते हैं भाई या तो देहरादून का आउटलेट बिल्कुल आजू बाजू से मांग के बेच रहे हैं एग्जैक्टली सेम है कौन सा है ये आई मीन कौन सा था ये पिज्जा हट शर्म कर भाई थोड़ी तो भाई आप तो जा रहे थे नीचे दो लोग और रहते हैं इस घर में एक मिनट ये मुँह में चिपक रहा है क्या बात है वो थोड़ा पतला हो गया शायद इसीलिए ना मतलब वो बोल रहा था थोड़ा पतला है बट तब भी बट निकल जाएगा ऐसा नहीं है डालने वाला टेस्ट थोड़ी यार या डालने वाला टेस्ट नहीं है तो। लेकिन देखो दांतों में फंस गया वो नहीं फंस रहा वो स्मूथली आ रहा है तू ये भी ले आ रहे आप तो क्या ये रहा भाई फ्री पिज्जा पिज्जा हट से आया है मार्गरीटा ये देखना ऐसा पिज्ज़ा क्यों बनाया जाता होगा जो कि अंदर से बस ब्रेड है देर इज नथिंग एल्स टू इट ये ब्रेड है नीचे बस ब्रेड इतनी मोटी है देखते ही मैंने आपको बोला है कैसे ब्रेड है यार ऐसा कौन बनाता है पिज्ज़ा ये वो सब बट ट्रस्ट मी इस बेस का ना इतना कुछ पता नहीं चल रहा भाई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और फ्लफी आप देख सकते हो कितना फ्लफी है जब आ रहे हो तो वापस अपनी शेप ले रहा है मतलब अच्छा है नाइस पिज्जा हट ने ना
अपनी खोई हुई इज्जत कमा लिया आज मेरी नज़रों में। जैसे इसमें चीज़ बस्ट होता है ना, इन्फ्यूज़ होता है चीज़, वैसे ही पिज़्ज़ा हट को चीज़ इन्फ्यूज़ करना चाहिए अपना बेस में ही, बेस लेयर में ही, मज़ा आ जाएगा पिज़्ज़ा हट, आई एम टेलिंग यू गाइस। क्योंकि अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि डोमिनोज में ना मुझे और कुछ पसंद नहीं आता, इनके चीज़ का टेस्ट पसंद आता है। तो अगर सेम चीज़ पिज़्ज़ा हट कर लेना तो बहुत डिफरेंस आ सकता है। ये चोको लावा केक ले गए नीचे, अदरवाइज मेरा बहुत मन था खाने का। तो फाइनली एक बार मैं बता देता हूँ आज की वीडियो में, मेरे लिए भी भानुभाई के लिए भी स्लाइटली पिज्जा हट डोमिनोज बेटर रहा है। आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में मजा आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।